नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एक बड़ी घटना हुई, बड़ी इसलिए क्योंकि उसके रिपरकशंस बड़े हैं। संडे 3 जुलाई को जम्मू के रियासी जिले के तुकसान ढोक गांव में ग्रामवासियों ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा। उन्होंने उन आतंकवादियों को पकड़ लिया, फिर उनको रस्सी से बांध के और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वो दोनों गिरफ्तार हो गए। ये दोनों का संबंध LET से लश्कर-ए-तैयबा से माना जा रहा है और इन आतंकवादियों की पहचान पुलिस द्वारा कहा गया है कि एक तालिब हुसैन शाह हैं और दूसरे फैजल अहमद दर हैं। इस तरह से इनकी पहचान हुई है। इनके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि ये जो शाह है ये अपने को LET मतलब लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बोलता है। इससे पहले क्या हुआ था कि 26 तारीख को इनके 2 साथी मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद सादिक वो पकड़े गए थे और उसके बाद इनके ऊपर छापा मारा जाने लगा था, कुछ कुछ ट्रेन मिल रही थी और उसी में इनको ढूंढा भी जा रहा था। जो ये जो मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद सादिक जो दो ये लोग जो पकड़े गए थे, इन दोनों के जो लश्कर-ए-तैयबा के जो हैंडलर हैं उनका नाम सलमान है, वो पाकिस्तान का हैंडलर है। और तालिब शाह के बारे में ये भी है कि वो लगातार एक LET के आतंकवादी कासिम से पाकिस्तान में लगातार संपर्क में था। इस घटना पे जो सबसे डिटेल में जो स्टोरी की है वो टेलीग्राफ ने और इंडियन एक्सप्रेस ने, आज की टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको ठीक से की है। ग्रामवासियों की बहादुरी, उनकी सूझबूझ के लिए जम्मू कश्मीर के DGP पुलिस दिलबाग सिंह ने 2 लाख रुपए का और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने 5 लाख रुपए का इनाम दिया है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से जो प्रमुख व्यक्ति पकड़ा गया है तालिब हुसैन शाह, उसके तार BJP से जुड़े हैं। ऐसा ये दोनों पेपर की स्टोरीज और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है। अब BJP का कहना यह है, जो उनके प्रवक्ता हैं RS पठानिया का कहना है कि पाकिस्तान की योजना थी कि उनकी पार्टी जो BJP है उसमें घुसना, इन्फिल्ट्रेट करना और नेताओं के करीब जाना, करीबी बनना और फिर BJP के लीडर्स की जान और सुरक्षा के लिए ये खतरा थे। तो ये इनके स्पोक्सपर्सन का कहना है कि इस तरह की एक चाल थी। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि क्यों BJP जिम्मेदार थी, ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, ये लश्कर-ए-तैयबा है क्या? ये तो अब ये सबको पता है, हालांकि इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी और उनके ISI संगठन द्वारा डायरेक्ट उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको पैसा मिलता है और इंडिया में आतंकवाद की गतिविधियों का एक सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो यही है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, 2019 का पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो सब इसी LET की मतलब लश्कर-ए-तैयबा की ही कारस्तानी थी। ये थोड़ा ये समझना होगा और मैं जिस वजह से इसको कर रहा हूँ कि BJP आज केवल इलेक्शन जीतना, सरकार बनाना, सरकार गिराना, कैसे भी वो सरकार चुनी हुई है उसको हम गिरा देंगे, फिर हम अपनी सरकार बना देंगे, इसमें इतना भाग रहे हैं कि उनको शायद उनकी ये नज़र तो ठीक है कि इलेक्शन कैसे जीतना है और कैसे सरकार गिरा देना है, कैसे विरोधियों को चित कर देना है, लेकिन शायद दूर की नज़र थोड़ी दिक्कत हो गई है। BJP 2014 का इलेक्शन लड़ती है जम्मू कश्मीर में, फिर 2 महीने तक वार्तालाप चलता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, CMP बनता है और फिर BJP PDP के साथ मिलकर 2015 में सरकार बनाती है, सरकार चलती है, मतलब ये तो सहयोगी थे उनके। अब 2018 में आके जो, क्योंकि 2019 में जनरल इलेक्शन था और जो BJP का जो मेन वोट प्लैंक होता है कि हिंदू मुस्लिम, उसमें कहीं ये डिस्टर्ब करता, इस वजह से BJP ने 2018 में अपना रिश्ता तोड़ लिया, सरकार गिरा दी गई और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया मतलब 2018 से सीधे सीधे केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के अधीन हो गया, मतलब वहाँ का जो भी निर्णय, जो भी पॉलिसी, जो भी था वो सीधे सीधे यूनियन गवर्नमेंट देख रही थी, केंद्र सरकार। 2019 में आप सबको याद ही है 370 खत्म कर दिया गया, उसके बाद इसका दर्जा स्टेट से यूनियन टेरिटरी का हो गया और अब वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो गए और गवर्नर साहब मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जो काम धाम है वो सीधे सीधे अब केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है, उनके नुमाइंदे के रूप में वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। तो पिछले 4-5 वर्षों से, तो अगर वैसे देखिए तो पिछले 8 वर्षों से तो BJP डायरेक्टली वहां रूल कर रही है। अब कुछ डिस्टर्बिंग बात शुरू हो गई है। क्या डिस्टर्बिंग है?
उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई उसका जो जो दो आरोपी हैं उसमें से एक के बारे में यह है कि वो पहले कभी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा था, बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा होता है उसकी कुछ मीटिंग्स में दिखाई दिया गया है इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो उसको लेके जाते थे वो भाई साहब गायब हैं। मैंने जैसा मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ ने इसमें बड़ी रिपोर्ट की है, उसमें ये बताया गया है कि जो ये जो तालिब हुसैन शाह है, जो ये आतंकी पकड़ा गया है, जो अपने को एलईटी कमांडर बोलता है, वो बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया सेल ऑफ माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू प्रांत का प्रमुख था। बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष का बयान आया है कि तालिब शाह जो रजौरी जिले, अच्छा रजौरी की इम्पोर्टेंस समझ लीजिए, रजौरी सीमावर्ती बॉर्डर स्टेट है जहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो वो रजौरी थोड़ा सेंसिटिव है, वहाँ से आता था और उसके साथ मतलब उन्होंने ये भी कहा वो पार्टी के साथ काफ़ी समय से काम कर रहा था। 9 मई को उसको आईटी और सोशल मीडिया सेल माइनॉरिटी मोर्चा का इंचार्ज, जम्मू प्रांत का इंचार्ज बना दिया जाता है, बनाया, ये उनका उनका बयान है बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उसमें फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसने मोर्चा की किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उन्होंने आगे कहा कि 27 मई को स्वतः ऑन ए जोन उसने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी से भी छोड़ दी। हालांकि फेसबुक पेज जो इसका है तालिब शाह का, उसमें तालिब शाह बीजेपी बीजेपी लिखा है, फोटो विथ जेएनके के जो प्रेसिडेंट हैं रैना साहब उनके साथ उसकी फोटो लगी है जो जम्मू ऑफिस में खिंचवाई गई है, और उसमें वो लिखा है कि आई सपोर्ट नमो, इस तरह की बातें वहाँ उस इनके फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है उसके द्वारा हुसैन और अमित शाह साहब की भी एक फ़ोटो ट्वीट की है, इन दोनों लोगों की एक फ़ोटो ट्वीट की है। अब उसके बारे में बीजेपी, अच्छा पहली चीज़ यह है कि अगर फ़ोटो फिक्टिशियस है या गलत है तो मेरे ख्याल में उस पर तत्काल बीजेपी को FIR करके कांग्रेस को मतलब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह साहब इस समय देश के गृह मंत्री हैं, तो उनके साथ अगर इस तरह की कोई फोटो ट्वीट हो रही है जो फैब्रिकेटेड या फेक है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये 2017 की फोटो है, ये इन सब पेपर की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि ये 2017 की फोटो है जब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर दौरे पर आए थे और उस समय प्रदेश में बीजेपी और PDP की साझा सरकार चल रही थी, ऐसा उनका कहना है। जो पठानिया साहब हैं वो ये भी कहते हैं कि उनको शक है कि हुसैन कभी बीजेपी का हिस्सा था, उनको बहुत याद नहीं है, उनको ये भी नहीं समझ है, वो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता है कि वो अमित शाह साहब के इतने करीब कैसे पहुँच गया था। अच्छा अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टेलीग्राफ के करस्पॉन्डेंट का कहना यह है कि टेलीग्राफ के करस्पॉन्डेंट को उन्होंने उस इस्तीफे की कॉपी दी, व्हाट्सएप किया, तो टेलीग्राफ के करस्पॉन्डेंट का कहना यह है कि जो हुसैन का इस्तीफा है उस पर डेट नहीं पड़ी है, वो बिना डेट का इस्तीफा है। अब ये एक और चीज़ को वो करती है, आपको ये बहुत कॉमन चीज़ है जो प्राइवेट स्कूलों में जिसने झेला होगा, प्राइवेट कंपनीज में झेला गया है, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जब किसी को अपॉइंट किया जाता है तो साथ में ही उसका रेजिग्नेशन लेटर भी ले लिया जाता है, प्रेस में भी होता है, ये बहुत सी जगह है जहाँ जहाँ इस तरह, और वो इसलिए ले लिया जाता है और अनडेटेड साइंड एवरीथिंग देयर बट डेट नहीं पड़ती है, और इसलिए होता है कि कभी तुम कुछ करोगे तो हम आपको ये दे देंगे, तो कहीं ये इस तरह का लेटर तो नहीं है अगर अनडेटेड है कि जिस समय ये, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो सकती है प्राइवेट बहुत सी कंपनीज में है तो यहाँ पे भी हो सकती है। अब एक चीज़, क्योंकि ये कुछ जवाब बीजेपी को देने होंगे, क्योंकि हुसैन अगर 9 मई को आईटी सेल का अध्यक्ष बनता है तो वो क्यों छोड़ता है, जैसा इन्हीं का कहना है कि वो पार्टी के अंदर घुस के और सीनियर लीडर्स के ऊपर उसको की सुरक्षा तोड़ना था और उसके ऊपर अटैक करना था, तो वो तो अंदर पहुंच गया था, उसके प्लान के मुताबिक वहां अंदर पहुंच गया था, सीनियर लीडर का खासम खास बन गया था, अब उनको मतलब छोड़ने का क्या था, तो ये बात भी बीजेपी को बतानी होगी। बीजेपी का ये भी कहना है कि 16 से 18 करोड़ उनके सदस्य हैं और मुश्किल है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो सके, देश के 138 करोड़ की मतलब नागरिकता यहाँ की है या नहीं है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन 16 से 18 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, क्योंकि आप मेंबर क्यों बना रहे हैं, आप मेंबर क्यों बना रहे हैं अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको ऑफिस बेरर क्यों बना रहे हैं अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो घर यहाँ ऑफिस में और घर में तो अब कानून हो गया है, अगर आप कोई सहायक रखें तो आपको उसका वो सब देखे पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, पर लेकिन आप तो करा लेंगे, आपका कहना यह है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब
देखिए जो इसका जो कारण है और जो मेरे हिसाब से जो ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जिस पे तुरंत कुछ सोचना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि जो बीजेपी में एक नया ट्रेंड बीजेपी ने शुरू किया है ना कि जी बीजेपी जो भी ज्वाइन करेगा वो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल ठीक से धुल जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, और उसने कोई भी अगर पाप किया होगा, कोई भी गलत काम किया होगा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी को स्वर्ग कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, वहां पहुंच जाए तो ईडी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सीबीआई डिस्टर्ब नहीं करेगी, इनकम टैक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्टेट पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगी, और यह हर स्टेट में देखा भी गया है। क्योंकि अभी एक हाल का केस है जो अभी भी चल रहा है, नूपुर शर्मा और जुबैर का, देख लीजिए, एक ही अपराध, वही एक उस ट्वीट को कैसे करना, क्या करना, क्या नहीं करना। जुबैर साहब जेल में है, रिमांड 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद अब जुडिशियल रिमांड में है, नूपुर शर्मा जी बाहर अपना घूम रही हैं और उनको लेके पूरा देश आंदोलित हो रहा है। क्योंकि एक एक दूसरी चीज भी है, जो बीजेपी जैसे ही एक उसके पास एक टूल है ना कि मैं तुरंत सेंट्रल सुरक्षा दे दूंगा, मैं तुरंत, तो वो अच्छा है बुरा है आदमी क्या है, वो बिना कुछ वो किए एक, मतलब अगर तुम बीजेपी में आ जाओ तो तुम्हें हम सेंट्रल सुरक्षा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या किसी की सुरक्षा दे देंगे, चाहे वो बम्बई के किसी कलाकार की बात हो या किसी नेता की बात हो, सबको तुरंत सुरक्षा दे दी जाती है। और अगर आप मेरी नजरों से हट जाओ तो मैं आपकी सुरक्षा वापस भी ले लेता हूँ। क्योंकि जम्मू कश्मीर किसकी जिम्मेदारी है? मेरे हिसाब से आप जितनी देर भी बात कर लें, इसका अकेला और अकेला जो हल है वो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक ढंग से होगा। जम्मू कश्मीर की समस्या लोकतांत्रिक ढंग से होगी, चुनाव द्वारा द्वारा होगी। और चुनाव आप जितना लेट कर रहे हैं, चुनाव को 2020 के बाद ड्यू है, आप लेट करते जा रहे हैं, उतनी समस्याएं आप बढ़ाते जा रहे हैं। और अब आपके पास ये कहने का मौका नहीं है कि हम ये था और फलाना सरकार थी, आपकी सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, और आप डायरेक्टली पिछले 5-4 साल से तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं। वैसे तो 2015 से आप ही पीडीपी के साथ थे, तो 7 साल की जगह 3 साल भी अगर आपकी मिली जुली सरकार थी, 4 साल से तो शुद्ध आप उसको देख रहे हैं। क्योंकि एक चीज और है, ये जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसको भी एक बार थोड़ा आत्मविवेचन करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का वो वक्तव्य देते हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरह के वो आईटी सेल वाले होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम आज आईटी सेल, हम 16 से 18 करोड़ लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक कोई आईटी सेल वाला, कोई भी पार्टी हो, अगर वो सुबह एक टूल किट देता है और अगर ये है कि अगर आप इस तरह का वो करके भेजोगे तो, और पर जितने आपने मैसेज भेजे उस पर कुछ एक हम भुगतान करेंगे, तो फिर वो तो कोई भेजे, वो बीजेपी के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, बीजेपी की पॉलिसी माने, राजा हो कि रंक हो, पुलिस हो कि चोर हो, जो हो उसको आप पैसा दे रहे हैं। तो ये तो आप प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेल के सहारे अगर आप इतना ज़्यादा चल रहे हैं तो ये भी एक बड़ी खतरे की घंटी है। आगाह कर रहे हैं, मतलब ये तो आगाह बार बार हो रहा है, अब आप उस खतरे को से आगाह होके, उसको समझ के, इसको जल्दी से जल्दी इस करेक्टिव एक्शंस लेंगे तो शायद पार्टी का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। थैंक यू सो मच।